रात असा इतनी स्टे की थे से छंबड़ी दे लाके च शाम का टाइम है असा छंबड़ी दे लाके सफर करें दे बदू सड़ा एक दोस्त है जलब खान असा हूं को कॉल की थी से असा हूं दी जाते हूं सफर करें दे वेंदे पियो वो सारे अगू है तकरीबन 12 13 किलोमीटर अगू तो असा मोटरसाइकिल पिछू छोड़ दिन से असा हूं दी जाडो वेंदे पियो अगू एक नदी है वो भी क्रॉस करनी सब कुछ से ना वेंदे शाम दा टाइम है असा छंबड़ी दे इलाके च नए जाग दे पियो ही टाइम ए नए ओ नए जड़े नए को असा दर्रा कहा दूं काफी सारे पहाड़ें दा पानी इतों गुजरदे शाम दा टाइम है अज बारिश के नहीं थिया तो इन वजह कने इन नदी च पानी फिलहाल थोड़ा है जिवें साडे इलाके च सलाबी रेले देखदे रहिंदे अक्सर मेरे वीडियो च ओ पानी इतों कने गुजरदे सवेरे नहीं थी सी वाला है तो को मजीद दिखले सुन ऐसे कूंधी है को खली भी आदन सारी जबान च ते कूंधी भी आदन मश्क में दसेंदा पे हम हुणे अपने व्यूअर को रात असा इतनी स्टे की थे से छंबड़ी दे इलाके च सवेरे सवेरे का टाइम है नादर भाई पानी पैंदे बैठे मश्क जो देख सकदो हाजी गफार साहब तो पर नाजर खान फिलहाल मैं अपना हुलियत देख लेना कर मेरे वाल वडन अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद तहर तुसर दे पे YouTube चैनल तहर जिस कणी असा छंबड़ी दे विच मौजूद हो इस टाइम तो तुसा देख सकदे हो साडा दोस्त है जलब खान छंबड़ी दे विच रात तुसा जिवे सफर पहले मैं कुछ वीडियो लाट ते देख दियो सने ते असा ही टाइम होंदी कपाड़ दे वदू और जलब खान बलोच यो जवान है ते पिछले जवान दा नाम दा पूरा पता के नहीं जलाल खान छंबड़ी का पहाड़ी सिलसिला कुछ गर्म है उतना गर्म कह नहीं लेकिन गर्मी इतना भी होती है लेकिन टॉप माड़ी होता है अच्छा खासा सर्दी होते पे नादर खान वेंदे पे दिलब खान वेंदे पे असा वेंदे पे अगू तो नए में जाग सू नए जाग ते भला अपना माड़ी टॉप डो वेसो तो रात जितो सा गुजरे हूं को सुलेमान दा सब तो वड्डा दर्रा यो है लेकिन ही टाइम दे पानी बहु घाटे असा ही दे को क्रॉस करना ते नादर खान और गफार खान नादर खान ही टाइम बैठन थे लेकिन ही को सा क्रॉस करन थोड़ी देर तक ते ही को क्रॉस करते परली साइड ते वेसो सा मोटरसाइकिल रात परली साइड ते छोड़ आया से अपने ही टाइम जेड़े सा पहाड़े दे सिलसिले च आए वदो तकरीबन असा अपने एरिया चो इतना दूर हो तकरीबन थी सकदे 200 तो 250 किलोमीटर थी सकदे असा इतना दूर है खड़ो हुण असां सब तो वड्डे नदी ते मौजूद हूँ एक दर्रा कहा सुल्तान या दर्रा कहा आख्या वेंदे ना तो मशहूर है असां हुण इक क्रॉस करते हैं अगली साइड ते वेसूं ए दर्रा कहा है असां ए नदी क्रॉस करनी है तो पानी ज्यादा है असां जलब दे कठे वदो सकूं ए रस्ता यूरस से क्योंकि नदी दा सकूं पूरा पता कहनी कि पानी कितना है कितना कहनी लेकिन थोड़ी देर पहले तो क्रॉस कीते सी पानी ज्यादा हा तो ए जवान तो पिछे दे वाला है चेल ते आगे अगू ते लबे तर जान दे एक बला गिर दे पेन चेक करना पे बलते पिछू ते बलदा ते पिछू ते मता मु ना एता पानी ज्यादा है ए नदी दे विचो ही टाइम एको सुलेमान दा सारा पानी इथे गुजरदे जेड़ा साडे पासे सो फ्लड दे रंदो इहो जाय होंदे इथो पानी गुजरते साडे पासे अंदर आंदे इतना पानी ज्यादा है पिछू दे वल्ले आंदे असा एक शॉर्टकट रस्ता दे पैसे पे जल्दी पहुंचो अपने मोटरसाइकिल तक लेकिन इतना पानी ज्यादा है जितना रात असा गुजर दोबारा हूं साइड तो सारा सफर जारी है असा उड़ा ही वेंदे पियो ए जिला राजनपुर को काफ़ी नुकसान देने वाला इो नदी है इको आख्या वेंदे दर्रा कहा इन काफ़ी सारे शहर उतों पक पानी आन मिलते तो यह साडे राजनपुर आन पानी इंटर थी रहा डेरा बुकटी थी गया बारखा थी गया खोलू थी गया जोब थी गया काफ़ी सारे इलाके का पानी ही दर्रा कहा चो गुजरते हैं साडे जिला राजनपुर इंटर थी ए जा माड़ी टॉप कने 45 किलोमीटर फासला तले मगरब वाली साइड ते करते असा आए हसे असा ही टाइम उतें ही मौजूद हूँ ओतरे जुत्ते ने कठे वेना भाई मैं मोल के घर में को काम में मोल अच्छा
लत मेरा लत्त वादा मर दे इतना पानी छोटा नहीं ठीक है ना जुत्ती तो कट्ठे बंदे से आ जाते मैं हूँ असा पानी झाग दे मैं और उडू मालन में ए बहु प्यारा नदी वादा पे ही टाइम ए अगू वेंदे पर असा कने और असा ने पिछू वेंदे पे मठे मठे ए माल हकली वजन परली साइड ते नेन मेरे तुसा देख सकते हो और इतों के जो रहायशी हैं वो तो काफ़ी बेहतर जानते हैं रस्ते के बारे असा काफ़ी कम जान दो क्योंकि असं पहली दफा आए वो इं एरिए छंबड़ी के अड़ी सिलसिले में सफर कर बहुत तंग है बहुत मुश्किल है बहुत औखे रस्ते हैं असं मोटरसाइकिल तकरीबन 10-12 किलोमीटर पिछू छोड़ आया से असं एडे पैदल आया से रात इतना रिहायश की से तो एडू माल आंदा पे बार बार तू दिखा खड़ा तो देखो किमें झाक दे पेन लैक कठिन रस्ते हैं बड़े मुश्किल से लोग रहा थोड़ा जहा पानी बहुत जोर है और देख सो कि फेरा बिगड़े थोड़ा थले मैं हम देख सकी में मैंने पे बहुत तंग थी थे मैंने पेन कोई लौट लौट के निकलते खड़े पथरीला इलाका सारे पत्थर हैं पे हम जोर ले खड़े ओ खड़ थे उत ही ये अंधे कह नहीं है ये बिले न तुस इन को बाहर कट गिनो पहाड़ी सिलसिले बारिशा थी ये लोग छोटे छोटे अपने तहत एक छोटे छोटे झेक बना खड़े इन्हें को ओठी से लेंदन इतों की जबान लेकिन असं टोबा छड़ सकद इनको तो पानी भरिया खड़े देख सकदो बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं इन पहाड़ों के नादर खान सारे पिछु पिछु काफ़ी सफर कर थक गय पहाड़ी है चाढ़ी है चाढ़ी तो जूहे बस सारा चाढ़ी वाला सफर है पिया क्योंकि असं तले गए वे छंबड़ी डो इन्हे पहले लह गए से हम चढ़ने वाला सिस्टम है तो जोर लाई वजन चेल को भी करते हैं तो देख सकते हो इन्हें चढ़ते हो पहाड़ी उत्ते हाय हाय मोटरसाइकिल ना आ सकते हैं क्योंकि बारिशों की वजह कने ये रस्ते टुट गए हैं पहाड़ी उत्ते काफ़ी सफर थक पिया जवान पानी पीती वे मैं तेरे तले बदम ये पानी खड़े में दुबिए ये देख सकते हो बेहोश थे वजन पंजारो खड़ी है ब्लैक एंड व्हाइट ए सामने ही तो बांध दिन को बिले नए वे बिलहू है पंजारो ते हाँ बिले नु है माड़ी तक सदा दोस्त जलब खान और सारे तो पिछू पै गए पहाड़ी बलोच सफर पुछी कहते हैं अस अगुए पिछू बदया जाने
लेकिन वो सारा दोस्त सकूँ अपने मोटरसाइकिलों तक पहुँचाया सी, लेकिन उतना छोटे छोटे बलोचन के झुपड़े हैं जिनकी वजह कने असा वीडियो नहीं बनाई। सकूँ अपने दोस्त ने दसाए कि इतना वीडियो ना बनाओ, ये लोग चंगा नहीं समझते इन जगह के उत्ते वीडियो बनावन, लेकिन तुस अपना आगू तो वही बेशक वीडियो बनाते वही हो। सकूँ जो जो एरिया दसेंदे रह गए असा वीडियो बनाते रह गए, लेकिन उतों के लोग इन शायद को चंगा नहीं समझते क्योंकि वो बलोचका इलाका है, वीडियो बनावन बड़ा मुश्किल है। असा बोला भी कुछ ना कुछ कवरेज करेंदे रह गए अपने दोस्त की मदद है, जितना जितना सकूँ आता उतें उतें कवरेज करेंदे असें, लेकिन उतना काफ़ी मकामी लोग हैं बलोच हैं जो इन शायद को चंगा नहीं समझते। हाड़ी सिलसिले बहुत गर्म जगह ही आ गयों, त्रे जबरदस्त लगी है। सगों पानी पींदे प्यों एक था बारिशी पानी खड़े और पहाड़ तो सुभान अल्लाह। बहरहाल तुसा सुनाओ गर्मी दा, बारिश बादल बहुत अच्छे बन चुके हैं पहाड़ी सिलसिले दे विच। सौत्र सदा पहाड़ी सफर बहुत थक गए, बहुत सफर किते से असा तकरीबन इतों के हम सफर कर रहे हो काफ़ी हद सारा ही साइड तो तकरीबन असा कर रहे हो सफर 35 to 40 kilometers इन पहाड़ों चू। गाड़िया हवा दी खड़े जरा गाड़िया को झल दीते से इतें रस्ते पानी पीते तो दिखाले से जिमें तो, लेकिन असा कने माड़ी टाप अजन तकरीबन पर रहे हे माड़ी टाप चौका पर जड़ी तू तकरीबन 6 kilometers अभी तो पार्टी शुरू अभी पार्टी शुरू 6 kilometers 7 kilometers है ज्यादा हो सी रोड ने भी चले छंबड़ी रोड आ रोड तने होते यानी के 4 kilometers ए कच्चे ना तो सात तो है पीछे 12 kilometers 12 हो तो 4 है कितना थी गया 12 4 16 4 16 अगली से ई में 16 kilometers असा अजन माड़ी टॉप कने थले वधू जैसे छंबड़ी कने उत्ते माड़ी टॉप दे करीब लगे वधू। इथा एक छोटा जहा पानी दा चश्मा खड़ा तो चलो असा के धा गिनो तो फ्रेश थी गिनो तो फ्रेश थी गई जैसे सौत्र को गर्मी ढेर लगी पी है बहुत गर्मी है तले ते, लेकिन सफर हा ना औखा सफर है, बड़ा अजाब है बड़ा अजाब, लेकिन असं छंबड़ी तक तो कोशिश कर गए पुजो, लेकिन असं बलोचिस्तान दे इलाके वेण है कैन से वैसे क्योंकि रस्ता कैन है। तो छंबड़ी कने असा वापसी आ गई हूँ माड़ी टॉप दे नेड़े हो पे, तो छंबड़ी ते तो नज़ारे सारे डेगी दे सन तो, और सारा वैसे प्रोग्राम अगू ते वण दा हा बलोचिस्तान वाली साइड ते, तो सारा राबता थे अगू दोस्त नाल तुने के अगू रस्ता बिल्कुल कहने असा रह गयो रात बारिश दी वजह कने नाले नदी नाले सारे बांधे पे हन तो रस्ता खराब है। तो छंबड़ी का इलाका तो सारा डेगी दो जिम्मे जिम्मे अस रह गए जो सफर करेंदे रह गए बहुत औखा सफर है। तो इंशाल्लाह इतों के कुछ कवरेज बे घिनसूँ असा माड़ी टॉप ते इतों कोई बे सीनरी कोई बे व्यू थोड़े नाल वाला शेयर करो ई वीडियो देखता में थे करो और नेक्स्ट वीडियो सारे व्लॉग दोबारा डेगी सो इजाजत दे सो। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।